हेलो जी, नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत देर बाद कोई व्लॉग डालने जा रहा हूं और व्लॉग है हिमालयन की फ़र्स्ट सर्विस के रिगार्डिंग। पीछे आप मेरे देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450, जो भी नई बाइक लॉन्च की है रॉयल इनफील्ड ने। और मुझे भी ये बाइक लिए हुए सिर्फ 7 से 8 दिन हुए हैं। 500 किलोमीटर्स मैं इसको चला चुका हूँ। अपने डिटेल्ड एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगा जब मैं इसको किसी लंबी राइड पर लेके जाऊँगा। अभी इसकी फर्स्ट सर्विस के लिए चलते हैं और डायरेक्ट अगला क्लिप में आपको दिखाऊंगा सर्विस सेंटर से। सर्विस सेंटर तो हम पहुंच गए हैं, अब बाइक को करते हैं पार्क एंड देखते हैं क्या क्या होता है सर्विस में। तो बाहर ब्रदर बैठे हैं यहाँ पे एंड इन्होंने अभी मेरे को एस्टीमेट बताया क्या एस्टीमेट है फर्स्ट सर्विस का, जिसमें इंजन ऑयल चेंज होगा 1150, ऑयल फिल्टर 110 का एंड ये कोई टिप्ड एडजस्टमेंट गैसकेट होते हैं, हेड के ऊपर लगते हैं जो। ठीक है, वो तो सबसे पहले चेंज हो रहा है इसका इंजन ऑयल। एक इधर से और नीचे से भी शायद ओपन किया, तो इसकी सबसे पहले इसकी बैश प्लेट इन्होंने रिमूव की एंड उसके बाद इंजन ऑयल। ठीक है, तो एक ही चीज़ है ऑयल फिल्टर, ये है ना ऑयल फंक्शन फिल्टर वाली। ठीक है, ये ऑयल फंक्शन फिल्टर है, ऑयल फिल्टर उधरली साइड है भाई। ठीक है, ये दोनों चेंज होने हैं या इन्हें क्लीन करके वापस पा देना? ये फंक्शन फिल्टर है ना, ये क्लीन ही होने हैं। ऑयल फिल्टर हर सर्विस ते ऑयल दे दो, ये ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਇਸਕਾ। ਤੋ ਇਸਮੇ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਕੀ ਬਾਈਕਸ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। 10W40 इंजन ऑयल जाएगा इसमें एंड सेमी सिंथेटिक ऑयल है ये। तो इस तरह से पहले ऑयल फिल्टर को डिप करके थोड़ा सा इंजन ऑयल में एंड अब पहले जाएगा ऑयल फिल्टर अंदर। ऑयल फिल्टर फिट होने के बाद जाएगा इंजन ऑयल। तो जो टोटल बिल बना है वो बना है 1250 रुपीज़, जो 450 रुपीज़ जो गैस्केट के लगने थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि टैपेट से कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही थी। तो ये था हिमालयन की फ़र्स्ट सर्विस का टोटल बिल, जिसमें सिर्फ इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर के चार्जेस लगे हैं, लेबर बिल्कुल फ्री थी। 1250 रुपीज़। तो हैंडल वाला इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि जो भी उन्होंने लूज़ करके भी देख लिया, टाइट करके भी देख लिया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आवाज़ आ रही है। तो अब हम सस्पेक्ट ये कर रहे हैं कि शायद ये जो प्लास्टिक का पार्ट है टायर के ऊपर जो मडगार्ड है, इससे कोई वायर टकरा रही हो। तो अब ये चीज़ चेक करने वाले हैं, अगर इससे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जब मैं इसे सर्विस करवाने के लिए लेके गया था तो इसके जो हैंडल बार है यहाँ से फ्रंट एंड से रैटलिंग की नॉइज़ आ रही थी, जो कि मुझे भी लगा था और सर्विस सेंटर वालों को भी लगा था कि ये सिर्फ हैंडल लूज़ होने की वजह से आ रही है। तो सर्विस करवाने जब मैं गया इसे लेके, तो उन्होंने काफ़ी बार इसको हैंडल को लूज़, कभी टाइट, बहुत कुछ ट्राई करके देखा उन्होंने। कंपनी ऑफिशियल से भी, किसी सर्विस मैनेजर से भी बात कर रहे थे वो लगातार, बट अभी तक इससे रैटलिंग नॉइज नहीं गई थी आफ्टर फर्स्ट सर्विस। तो आफ्टर दैट सर्विस डे उन्होंने एक मीटिंग फिक्स की 2 दिन बाद, जो कि होने वाली थी रॉयल एनफील्ड से किसी ऐसे बंदे के साथ जिसने प्रॉपर हिमालयन की ही ट्रेनिंग ली है, और वो आगे सर्विस गाइस जो जितने भी सर्विस सेंटर में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग वही दे के गए थे। तो उनके साथ मेरी 2 दिन बाद उन्होंने मीटिंग फिक्स की, जिसमें फिर पता चला कि एक प्रॉपर टॉर्क है जो 90 Nm की टॉर्क है, उसके साथ ही इसको टाइट किया जा सकता है हैंडल बार को, एंड वो टूल वहाँ पे तब सर्विस सेंटर में अवेलेबल नहीं था। फिर वो टूल उन्होंने मंगवाया एंड उस टूल के साथ इसको
टाइट किया एंड उसके बाद अभी तक मुझे वो इशू दोबारा नहीं आया. तो दैट वाज द ओनली इशू दैट आई वाज फेसिंग सिंस आई बॉट दिस बाइक. और अब बिल्कुल भी रैटलिंग नॉइज जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल भी नहीं है. मैं उस दिन लिटरली बहुत ज़्यादा डर गया था एंड उसके बाद मैंने वीडियो भी इसीलिए कंटिन्यू नहीं की क्योंकि आई वाज लाइक कि यार इतने पैसे खर्च कर दिए मैंने और सडनली ये चीज़ एकदम से नई बाइक में शुरू से निकालते ही रैटलिंग नॉइज़ आ रही थी. आई वाज वेरी अपसेट. तो लाइक अगर छोटा सा इशू होता, अगर सिर्फ हैंडल लूज़ होता तो ये नॉइज़ चले जाती ना हैंडल टाइट करने से, और वो उस दिन सर्विस सेंटर में हो नहीं पा रहा था. आई वाज वेरी अपसेट. लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि एक फील जो नए बाइक से आना चाहिए वो एग्जैक्टली वही चीज़ थी. बहुत ही छोटी सा प्रॉब्लम थी, बहुत ही छोटी प्रॉब्लम थी, लेकिन बस वो एक वो आप कह सकते हैं कि टूल अवेलेबल ना होने के कारण वो सही नहीं हो पाया. तो स्टिल आई वुड से कि रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा तो सुधर जाओ यार. मतलब मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं नई बाइक में, कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकती है कोई भी प्रॉब्लम. लेकिन अगर मैं शोरूम से बाइक लेके उतर रहा हूँ और उसमें रैटलिंग नॉइज़ आ रही है, हैंडल लूज है, तो एटलीस्ट जब ब्रांड न्यू बाइक आप भेजते हो शोरूम में डिलीवरी के लिए भेजते हो तो दैट बाइक शुड बी इन अ परफेक्ट कंडीशन. चलाने के बाद अगर 500,000 चलाने के बाद मैं ऑफ रोडिंग करने लेके जा रहा हूँ तब ये प्रॉब्लम आई होती तो आई वुड नॉट हैव बीन लाइक दैट मच अपसेट दैट आई वॉज 2 days ago. बट अब मुझे अच्छा लग रहा है एंड आज ही मैं इसको सुबह ठीक करवा के आया हूँ एंड अब लेके जा रहा हूँ इसको एक लॉन्ग राइड पे, क्योंकि उससे पहले मेरा मन भी नहीं कर रहा था कहीं लेके जाने का क्योंकि एवरी नाउ एंड देन कोई भी छोटा मोटा बम्प आता था तो यार वो नॉइज़ मुझे थोड़ा सा इरीटेट करती थी और वापस मैं उस जोन में चला जाता था कि यार मुझे ही क्यों ये पीस मिला इस तरह का. किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, मुझे क्या किसी को भी नहीं मिलना चाहिए. रॉयल एनफील्ड शुड वर्क ऑन दिस कि फाइनल प्रोडक्ट जो भी वो शोरूम में भेज रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना ही चाहिए. तो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो क्योंकि जो इशू था वो मेरा रिजॉल्व हो गया. मैं नहीं चाहता था कि इस तरह से मैं नेगेटिविटी के साथ इस वीडियो को एंड करूं कि यार मैंने ये बाइक क्यों ली या ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं. सो ऑन अ पॉजिटिव नोट बाइक अच्छा चल रही है. जो थोड़ा सा इशू था वो सॉल्व हो चुका है एंड 3 साल की वारंटी कंपनी दे रही है, 2 साल की मैंने एक्सटेंड करवा ली है इसके साथ. तो प्रिटी मच टेंशन फ्री हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं पहले भी रॉयल एनफील्ड 10 साल से चला रहा हूँ. इससे पहले मेरे पास ओल्ड हिमालयन थी और उससे पहले क्लासिक था. सो मुझे पता है कि कंपनी में जब मैं प्रॉब्लम्स लेके जाता हूँ तो कंपनी उसको ध्यान से सुनती है एंड देयर इज़ नो इशू राइट नाउ. नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखोगे कि मैं इसको लॉन्ग राइड पे लेके जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स, पुराने हिमालयन से क्या मुझे इसमें अलग लग रहा है, चलाने में कितनी डिफरेंट है, कंफर्ट कैसा है, मैं हर चीज़ कंपेयर करूँगा इसकी पुराने हिमालयन के साथ. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप आगे के सारे वीडियोज़ देख पाओ हिमालयन 450 से रिलेटेड. थैंक यू वेरी मच.